दुनिया इस वक्त ऐसे मुकाम पर है जहां धमाकों की गूंज हर कोने से सुनी जा सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग से शुरू हुआ हमले का सिलसिला दूसरे देशों में भी जंग की भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास की जंग गाजा में रफा शहर तक पहुंच गई, लेकिन दुनिया के नामी देश इसे रुकवा नहीं सके। न धमकियां काम आई और न ही दोस्ती। नेतन्याहू अमेरिका की ही नहीं सुन रहे और इंटरनेशनल कोर्ट की धमकी का इजराइल पर असर नहीं हो रहा। इसी तरह अब एक और देश दुनिया के सामने नई जंग की पटकथा पूरी कर चुका है। उसे इंतजार है तो सिर्फ मौके का। वो ताक में बैठा है और फिर अचानक ही ताइवान पर कब्जे की जंग छेड़ देगा। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन इस वक्त ताइवान की छाती पर बैठकर अपनी सेना को जंग की तैयारी करा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान को चारों तरफ से घेर कर इसलिए ड्रिल कर रहा है ताकि ताइवान के अहंकार को खत्म कर सके और बाहरी दखल को बंद कर सके। यानी चीनी तैयार हो चुका है ताइवान पर हमले के लिए। पर क्या ताइवान वो कबूतर है जो बिल्ली को देख कर आंखें बंद कर लेगा? ताकत में चीन चाचा है तो ताइवान भी ताऊ से कम नहीं है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जून के शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। चीन के मिलिट्री ड्रिल के चलते ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि चीन आखिर क्या कर रहा है। चीन ने 19 जंगी जहाज और 7 युद्धपोत तैनात किए। चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए हैं। इनमें से 35 ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया है। चीन की नौसेना ने 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात हैं। ऐसे में ताइवान भी आग बबूला हो उठा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। चीन की चाल से तमतमा उठा ताइवान। ताइवान भले ही चीन से छोटा है, लेकिन हथियारों के मामले में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। ताइवान के पास ऐसे हथियार हैं जो चीन की हालत खराब कर सकते हैं। ताइवान के पास तुओ चियांग कॉर्वेट, हीसंग फेंग 3, स्काइबो 3, M109 पेलिडिन हाविट्जर, M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हेलफायर एजीएम मिसाइल, F-16 फाइटिंग फॉल्कन, M1M72 चपारल, RIM-7C स्पैरो स्क्वाड, स्काई स्क्वाड 2, M9 साइडविंडर जैसे हथियार हैं। इन हथियारों से चीन की हवाइयां उड़ जाती हैं। ताइवान के बेड़े में इन हथियारों को देखकर चीन के ताइवान के साथ कोई बड़ा पंगा लेने से खौफ खाता है। अब आपको एक एक करके इन हथियारों की खासियत के बारे में बताते हैं। क्या है ताइवान के इन हथियारों की खासियत? तुओ चियांग कॉर्वेट ताइवानी नौसेना का ऐसा जंगी जहाज है जो चीन की नौसेना, थल सेना और वायुसेना को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। ऐसे 2 युद्धपोत तैनात हैं। 198.2 फीट लंबे इस जंगी जहाज की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 12 काउंटर शेफ डिस्पेंसर लगे हैं। ये दुश्मन की मिसाइलों गोलों को हवा में दाग सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8 हीसंग फेंग 2, 8 हीसंग फेंग 3 मिसाइलें तैनात हैं। 1 76 mm की ऑट्रोबेडा गन लगी है। इसके अलावा 1 हेलिंग्स CIWS गन लगी है जो दुश्मन टारगेट को खुद पहचान कर हमला करती है। हीसंग फेस 3, हीसंग फेस 3 का मतलब होता है ब्रेव विंड। ये एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ताइवान के पास ऐसी 250 मिसाइलें मौजूद हैं। इनका वजन 1400 से लेकर 1500 किलोग्राम है। ये उड़ते समय 125 से 250 मीटर तक ऊंचाई हासिल करती हैं ताकि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम आसानी से इसे टारगेट ना बना सके। स्काईबो 3, ताइवान की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसे तीन कुंग के नाम से भी बुलाते हैं। इसका लक्ष्य होता है हिट टू किल। वजन 870 ग्राम है। ये 8348.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यानी दुश्मन के पास बचने का समय नहीं होता। M109 पेलेडिन हॉविट्जर, ये अमेरिका में निर्मित 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर तोप है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इसमें 155 मिलीमीटर का गोला लगता है। ये तोप हर मिनट 4 गोले दाग सकता है।
इसके ऊपर M2 मशीन लगी है। एक बार में 350 किलोमीटर तक ये टैंक जा सकता है। M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 2010 से लगातार अलग अलग युद्धों में उपयोग किया जा चुका है। इसकी लंबाई 23 फीट होती है। इसमें 227 मिलीमीटर के 6 रॉकेट्स का सेट होता है। हिमार्स लॉन्चर को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई ने पद संभाला है। विलियम लाई ने चीन को साफ कर दिया कि वो ताइवान को धमकी देना बंद करे और ताइवान के लोकतंत्र को स्वीकार करने की आदत डाल ले, जिसके बाद बौखलाए चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। ऐसे में अगर चीन जून महीने में ताइवान पर हमला करता है तो फिर दुनिया के तीसरे युद्ध का गवाह बनेगी। जाहिर है ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगी।